अभी हम खड़े हैं धनबाद के पूर्वी टुंडी इलाके में अवस्थित रघुनाथपुर शिव मंदिर में, और यहाँ की खासियत यह है कि इस मंदिर में आपको गुंबद देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो शिवलिंग है वो खुले में स्थापित है, और सामने में आप देखिए कि सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, और जो पुजारी हैं वो लोगों की पूजा करवा रहे हैं। और कितनी आस्था है लोगों की इस मंदिर के साथ, और कितने की भीड़ होती है शिवालय के यहाँ पर सोमवारी के मौके पर, सावन की सोमवारी के मौके पर, और शिवरात्रि के मौके पर किस तरह की भीड़ होती है, इन तमाम चीजों को जो यहाँ मौजूद लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे, जो श्रद्धालु हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सीधे हम जो यहाँ पर जो पुजारी है उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या स्थिति है यहाँ पे पंडित जी, कैसे यहाँ पर इस मंदिर की क्या पौराणिक जो महत्व है वो है, और कब इसकी स्थापना हुई थी, किसने की थी इसकी स्थापना? जयंत बनर्जी के पिताजी ने बहुत 100 साल से अधिक जो चल रहा है, लगभग 150 साल से पुराना मंदिर है, और यहाँ मंदिर मंदिर को गुम्बद नहीं है, यह मंदिर हमेशा खुला रहता है, और यहाँ बहुत श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, और यहाँ हमेशा बहुत मतलब मंदिर में प्रांगण में भीड़ मेला भी लगता है बाहर में शिवरात्रि के मौसम पर, और यहाँ हर सोमवार में भी श्रद्धालु आते जाते रहते हैं। इस मंदिर का बहुत महत्व है, और यहाँ हर सोमवार को एक चीज बताइए कि पहली सोमवारी है सावन की, पहली सोमवारी तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं, पहली सोमवारी का सावन का कितना महत्व है, और इस बार चूंकि सावन के पहले दिन ही सोमवारी है तो कितना महत्व है इस सोमवारी का? ये सोमवार का बहुत महत्व है, क्योंकि ये सावन का पहले सोमवार है, श्रद्धालु आते जाते रहते हैं, ये बाबा की कृपा बरसते रहेंगे, सावन में पूजा करना, बाबा को जल चढ़ाने के लिए सब श्रद्धालु को डायरेक्ट बाबा को जल चढ़ता है, और बाबा सब श्रद्धालु को कृपा बनाए रखता है। बिल्कुल, तो जिस तरह से अभी पुजारी ने बताया कि सावन की पहली सोमवारी का बहुत अधिक महत्व होता है, और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर हैं जो लोग लंबे अरसे से यहाँ पर पूजा करने के लिए आते रहे हैं, और कुछ जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पहली सोमवारी का जो वैल्यू है, जो महत्व है, उसके बारे में भी हम लोगों से चर्चा करेंगे, और जानेंगे कि क्यों लोग यहाँ पर पहली सोमवारी के मौके पर लोग इतने संख्या में उमड़े हैं, और इस अवसर पर वो लोग किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। बताइए भाई साहब, किस तरह से आप लोग यहाँ पर पहली सोमवारी का क्या महत्व है आपके हिसाब से, और इस मंदिर को कब से आप जान रहे हैं? वही 20-22 साल से जान रहे हैं। पहली सोमवारी के बारे में क्या जानते हैं? पहले सोमवारी से यही जानते हैं कि श्रावण महीना पावन महीना होता है, और पहले सोमवारी करना सबका धर्म है। तो अब रही बाबा, पहली सोमवारी का क्या महत्व है आपके हिसाब से? हम यही जानते हैं कि पहले सोमवारी श्रावण पहला के दिन उस सोमवारी पूजा करने अर्चना करने आते हैं महिला पुरुष, उसी का महत्व यह है कि जो सोमवारी मानते आ रहे पूर्व पुरुष लोग आ रहे हैं, इसलिए हम भी करा रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, यही महत्व मानते हैं। और क्या बोले, कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं, कुछ महिलाएं हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों से बात करेंगे, जानेंगे यहाँ पर। व्रत आप कब से कर रहे हैं? हम 16 सोमवारी करते हैं। 16 सोमवारी इस बार कर रही हैं, तो इस बार क्या महत्व है 16 सोमवारी का? 16 सोमवारी का यही, आप जो भी मतलब अपना मन से पूजा करते हो पूरा होता है। कुछ ऐसी इच्छा जो भगवान शिव से आपने जाहिर की हो? शौक से करते हैं, कि हम सुने हैं बहुत इसके बारे में, शौक से करते हैं पूजा। शौक से करते हैं। कुछ मन्नत है जिसको मांगा है आपने? हम मांगे भी हमने मन में बोलेंगे क्या आपको भी? बोलेंगे नहीं, जब तक पूरा नहीं होगा बोले क्या हम आपको। ठीक है, कहाँ पढ़ाई करती है? परीक्षा में पास हुई है? मांगी परीक्षा पास हुई नहीं मांगे हम। अच्छा, तो खुद का भी डिपेंड करता है। ये मांगी, ये भी नहीं बोल दे रहे हैं, हम आपको नहीं बता सकते, हम खुद मांगे, जब पूरा होगा तो बता देंगे, फिर से आइएगा बता देंगे। बिल्कुल, कितना आस्था है भगवान भोले शंकर पर? बहुत है, 100% अनुष्का मंडल। महीना है, पहली सोमवारी है, आपने सोमवारी व्रत रखा है। हाँ। कब से सोमवारी कर रही हैं आप, कितने साल से? 30 साल। 30 साल से कर रही हैं? हाँ। किसी साल मिस हुआ? नहीं हुआ। नहीं। भगवान भोले शंकर से क्या वर मांगते हैं, और कितना मनोकामना पूर्ण हुआ अभी तक? सुख शांति रहने के लिए। जब कुमारी थी तब से कर रही है? हाँ। तो क्या कुमारी में क्या क्या वर मांगा था आपने भगवान से? कुछ नहीं। नहीं मांगे थे? नहीं। अच्छा, पति नहीं मांगे थे? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? बोलो मंडल।
यहाँ जो मंदिर है, इस मंदिर का क्या महत्व है, और सोमवार के दिन, खासकर सावन के सोमवार के दिन कितने लोगों की भीड़ होती है, कितने श्रद्धालु आते हैं? ये तो बहुत श्रद्धालु आते हैं सोमवार के दिन मंदिर में। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, हम तो 300 साल से अधिक मेरी जानकारी से हो रहा है ये स्थापना के राय बहादुर, उसके जो रानी थे अभया सुंदरी, उसका जो पोता अभी चला रहे हैं जयंत बनर्जी, ठीक है। इस मंदिर में तो सार मनोकामना पूरा होता है। ये मंदिर बहुत वर्षों से खुला है, रात्रि मौके में भीड़ से मेला भी होते हैं, ऐसे भी सोमवार में तो होता ही है, रहते हैं। सावन में पहला सोमवार है, इसलिए श्रद्धालु का भीड़। पहली सोमवारी का कितना महत्व है सावन का? सावन का पहली सोमवारी का बहुत महत्व होते हैं, इसलिए जो व्रत करते हैं सार मनोकामना पूरा होते हैं सबका, ये सब इसलिए सब श्रद्धालु आते हैं पूजा पाठ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम काशीनाथ चक्रवर्ती, मैं पुजारी। रघुनाथपुर शिव मंदिर से हमने कई श्रद्धालुओं से बात की, कुछ महिलाओं से बात की, कुछ युवतियां आई हुई थी उनसे भी हमने बात की और पुजारी से भी बात की, तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि यह जो मंदिर है 300 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर है, और इस वजह से यहाँ पर इनकी जो 3 पुश्ते हैं यहाँ पर पूजा करती आ रही है, और जो महिलाएं हैं या फिर जो भी लोग यहाँ पर जिस मनोकामना के साथ यहाँ पर पूजा करने आते हैं उनकी वह मनोकामना पूरी होती है। और रघुनाथपुर शिव मंदिर जो है इसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, और जिसके वजह से दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आते हैं, और सावन के महीने में खासकर यहाँ पर भीड़ अधिक होती है। ऐसे में अगर आप भी आसपास के क्षेत्र में रहते हैं तो यहाँ पर आकर खुले में शिवलिंग का जो दर्शन है वो जरूर करें, और अपने मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ के पास हाजिरी जरूर लगाएं। सहयोगी नित्यानंद के साथ राजकुमार जायसवाल, पूर्वी टुंडी, धनबाद, न्यूज 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।